हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फिजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और मूल ज्ञात करना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है जब क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो। कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, आप इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लोगे कितना जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे एक्स और ये थ्री। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा थ्री एक्स। रीअरेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। बन गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको चेक करना है क्या ये सॉल्व करना पॉसिबल है, या इसके मूल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, या फिर रूट्स फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो हम चेक कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स से चेक करते हैं। अब ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू तो हो गया वन, ये किसका वैल्यू है बी का, और ये किसका वैल्यू है सी का। तो सारा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, कितना मिलेगा हमको थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू कितना है वन। सॉल्व करते हैं नाइन माइनस फोर कितना मिलेगा हमको फाइव, मतलब ये जीरो से बड़ा है, इसका मतलब इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वेल्व, इसका वैल्यू रख दो। यदि वैल्यू रखते हैं तो बी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, तो रखते हैं माइनस थ्री प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना निकल के आया था फाइव, डायरेक्ट रख देते हैं फोर वालों में। नीचे कितना है टू ए, ए कितना है वन, तो ये वन। जब इसको सॉल्व करते हैं तब हमको मिलता है थ्री प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू, इसके दो वैल्यू निकल के आएंगे। कब, एक बार लेते हैं हम लोग पॉजिटिव साइन, एक बार लेते हैं हम लोग नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू, तो ये दो रूट हमारे पास निकल के आ जाते हैं। कब, जब ये ग्रेटर देन जीरो शो करे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी के साथ। ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स निकल के आए वो कौन से हुए, एक ये और एक। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम आती है ऐसे लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो फोटो लिखा हो उस फोटो को एजेंट नीचे लिख दो, जो फोटो लिखा हो उस फोटो को एजेंट लिख दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स प्लस का एक्स माइनस का कट जाएगा, कितना बचा माइनस कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, इसको इससे कीजिए टू एक्स, और इधर क्या चल रहा है प्लस थ्री, इस पूरे डब्बे को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस कट टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर तो होगा थ्री एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का सिक्स एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स, इसको उधर ले जाओ प्लस कट टू, इधर कितना अच्छा जीरो। आपको मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है थ्री, बी का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स, और सी का वैल्यू कितना है टू। तो सारा वैल्यू रख देते हैं पर, बी का वैल्यू माइनस सिक्स और माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है थ्री थ्री, और सी का वैल्यू कितना है हमारे पास टू टू। तो माइनस सिक्स ये कितना, माइनस का ट्वेल्व, और माइनस ये कितना है बच्चा हमारे पास ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर। तो कहने का मतलब हमें मिला माइनस का थर्टी, जो क्या है लेस देन जीरो है, क्या है हमारे पास लेस देन जीरो है, तो इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आया जीरो से कम, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का जब वैल्यू आएगा वो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स का स्क्वायर फोर, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास थ्री, थ्री रख दिया, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास टू, तो टू रख देते हैं, कितना है थर्टी सिक्स माइनस या गया ट्वेंटी फोर, सॉल्व करेंगे ट्वेल्व आएगा जो कि जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है, इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, किसके इस वाले इक्वेशन के।
इसकी रूट्स क्या होंगे? फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही होता है फॉर्मूला। तो बी का वैल्यू कितना है? माइनस सिक्स रख दीजिए यहाँ पर, माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कितना है 12, डायरेक्ट रख दीजिए 12 डिवाइडेड बाय 2 ए, ए कितना है हमारे पास 3, 3 रख दीजिए। तो सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस 12, 12 के फैक्टर कर दीजिए कितना आएगा 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 प्लस माइनस यहाँ पर ये 2 पेयर में तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा 3 अपॉन 6, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन नीचे कितना है 6, ये कट जाएगा कितनी बार 3 टाइम्स, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3, तो इसके आंसर निकल के आएंगे दो रूट, कौन कौन सा आएंगे, एक आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, मतलब एक बार क्या ले लिया हमने प्लस पॉजिटिव साइन, एक बार क्या ले लिया हमने नेगेटिव साइन। तो ये जो दो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आए हैं, इस इक्वेशन का एक्स का वैल्यू निकल के आया है जिसको आप रूट्स या फिर मूल बोलते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।